दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों दिवाली आने वाली है और शुभ मुहूर्त और शुभ दिन शुरू हो गए हैं, और इस शुभ मुहूर्त और शुभ दिन पर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके धन धान पूर्ण होना चाहते हैं तो आपको इन कुछ 8 कामों को करना पड़ेगा, और 8 काम करके जो है आप माँ लक्ष्मी को जरूर प्रसन्न कर पाएंगे और आप धन धान पूर्ण हो पाएंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आप भी जल्दी से इन 8 कामों को करिए और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखिए। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं वो 8 काम क्या हैं। दिवाली पर सबसे पहले सुबह उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन करें और मन ही मन माँ लक्ष्मी की कृपा मांगे। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दशनम। दिवाली पर इस मंत्र को याद करें और बाद में प्रतिदिन सबसे पहले इसी का उच्चारण करें और साथ में हथेलियों के दर्शन करें। दूसरा, दिवाली के दिन सबसे पहले केसर का धागा मुंह में डालें, इससे ऐश्वर्य आता है। फिर प्रतिदिन जब भी घर से निकलें इसे नियम को बना रहने दें। किसी भी विशेष कार्य पर या ऑफिस जाते समय एक धागा केसर का मुंह में रखकर घर से निकलें, ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तीसरा उपाय, यदि घर के आसपास लक्ष्मी मंदिर या अन्नपूर्ण मंदिर हो तो वहां से थोड़े से अक्षत घर लाकर लाल वस्त्र में लपेटकर घर में ही धन रखने के स्थान में रखें। दिवाली के दिन तो ऐसा ही करें पर बाद में प्रति शुक्रवार ऐसा करने का प्रयास करें, धन की बरकत होगी। चौथा, दिवाली की शाम तमाम मिष्ठान के साथ मूंग की दाल भी खाएं और दान करें, इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। उसके बाद प्रति बुधवार अगर ऐसा करते हैं तो किस्मत चमकती है और ग्रहों की शुभता में वृद्धि होती है। पांचवा, दिवाली के दिन अपने कार्यस्थल के किसी भी व्यक्ति को भोजन कराएं, उपहार दें या मिठाई दें, बाद में महीने के किसी भी एक दिन उसे भरपेट भोजन अवश्य कराएं। विशेष तौर पर शनिवार को भोजन करवाने से आपको धन लाभ मिलेगा। छठवां, दिवाली के दिन एक खड़ी हल्दी की गांठ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर अपने कार्य क्षेत्र या वर्क टेबल पर पीले कपड़ों में बांध कर रखें। कार्यस्थल में स्थिति मनोपूर्व होगी, तेजी से तरक्की होगी, शत्रु परास्त होंगे। बाद में प्रतिदिन अपनी टेबल पर काम करना शुरू करने से पहले उसका स्मरण करें। सातवां, दिवाली के दिन ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। दिवाली पर आप 3 पाठ करने पर बाद में प्रतिदिन मंगलवार 1 पाठ करने से ऐसा भी उतर जाता है। आठवां, दिवाली पर घर में देसी घी का दीपक जलाएं और पूजा के स्थान पर थोड़ा सा देसी घी खुले पात्र में रखें, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। बाद में प्रति शुक्रवार ऐसा करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। धन्यवाद। स्थिति मनोपूर्व होगी, तेजी से तरक्की होगी, शत्रु परास्त होंगे। बाद में प्रतिदिन अपनी टेबल पर काम करना शुरू करने से पहले उसका स्मरण करें। सातवां, दिवाली के दिन ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। दिवाली पर आप 3 पाठ करने पर बाद में प्रतिदिन मंगलवार 1 पाठ करने से ऐसा भी उतर जाता है। आठवां, दिवाली पर घर में देसी घी का दीपक जलाएं और पूजा के स्थान पर थोड़ा सा देसी घी खुले पात्र में रखें, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। बाद में प्रति शुक्रवार ऐसा करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। धन्यवाद। बाद में प्रति शुक्रवार ऐसा करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। धन्यवाद। जरूर इसको शेयर करें। धन्यवाद।